ऑफ समिंग एम्पलीफायर, समिंग एम्पलीफायर के एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, तो ये लॉट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ समिंग एम्पलीफायर, बट हियर वी विल डिस्कस अबाउट टू मेन एप्लीकेशंस। फर्स्ट इज एवरेजिंग एम्पलीफायर, सेकंड इज सबट्रैक्टर। तो फर्स्ट लेते हैं एवरेजिंग एम्पलीफायर। तो एवरेजिंग एम्पलीफायर क्या होता है? समिंग एम्पलीफायर कैन बी यूज्ड एज टू प्रोवाइड एन आउटपुट विच इज इक्वल टू एवरेज ऑफ इनपुट वोल्टेज, दैट इज देन दिस सर्किट इज कॉल्ड एवरेजिंग एम्पलीफायर। बट फॉर एवरेजिंग एम्पलीफायर द समिंग एम्पलीफायर हैज टू फुलफिल टू कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन है इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस, ये फर्स्ट कंडीशन है, इनपुट रेजिस्टेंस आर वन, आर टू, आर थ्री एंड सो ऑन आर इक्वल इन वैल्यू। मतलब ये है कि इनपुट रेजिस्टेंस, चाहे उसमें कितने भी इनपुट रेजिस्टेंस हों सर्किट में, उनकी जो वैल्यू होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और नंबर टू होना है, नंबर टू कंडीशन है द रेशो ऑफ एनी इनपुट रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस टू फीडबैक रेसिस्टेंस इज इक्वल टू, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इनपुट सर्किट्स, इनपुट सर्किट्स। तो ये दो कंडीशन क्या है, फुलफिल करनी चाहिए। तो अब देख लेते हैं, ये सपोज मान लिया ये जो है एक एवरेज एम्पलीफायर है, तो इस ये एवरेज एम्पलीफायर को इसको कैसे प्रूव करेंगे कि ये एवरेज एम्पलीफायर है? तो नोट दैट इट इज ए समिंग एम्पलीफायर, एक समिंग एम्पलीफायर है जिसके इनपुट रेजिस्टेंस आर वन, आर टू, आर थ्री की वैल्यू क्या है, आपस में बराबर हैं। तो ये एक कंडीशन फुलफिल कर दिया इसने कि भाई सारे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो आपस में क्या है, बराबर है। दूसरी कंडीशन है कि रेशो ऑफ एनी इनपुट रेजिस्टेंस, तो कोई भी इनपुट रेजिस्टेंस ले लेते हैं, तो कोई भी इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू ले लेते हैं थ्री के, और टू द रेशो ऑफ फीडबैक रेजिस्टेंस वन के, ये रेशो ले लिया वन के इज इक्वल टू क्या हो गया, थ्री। तो ये क्या हो गया, थ्री क्या आ गया, नंबर ऑफ इनपुट्स। इसमें नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हैं, थ्री हैं, तो ये रेशो कितना हो, थ्री है। इट इट मीन्स ये क्या एक समिंग एम्पलीफायर है, ये जो दो कंडीशन फुलफिल कर रहा है किसके लिए, और एवरेजिंग एम्पलीफायर। तो समिंग एम्पलीफायर का आउटपुट क्या होता है, आउटपुट होता है समिंग एम्पलीफायर का वी ओ इज इक्वल टू होता है माइनस ब्रैकेट के अंदर आर एफ अपॉन आर वन। अब हम इस समिंग एम्पलीफायर की बात करें जिसमें तीन इनपुट हैं वी वन, वी टू, वी थ्री। वी वन जो है आर वन के थ्रू अप्लाई किया है, और वी टू जो है आर टू के थ्रू अप्लाई किया, और वी थ्री जो है आर थ्री के थ्रू अप्लाई किया कि इसमें इन्वर्टिंग टर्मिनल में, और पॉइंट एक जो है यह है वर्चुअल ग्राउंड, ये जहाँ पर जीरो वोल्ट है, इट मीन्स इसमें जो है करंट फ्लो नहीं होगा इनपुट में, और वोल्टेज जो होगा यहाँ पर क्या होगा, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है जीरो होगा, और टोटल सारी की सारी करंट किस में फ्लो हो जाएगी, फीडबैक रजिस्टर में, और इस फीडबैक रजिस्टर के थ्रू निगेटिव फीडबैक जो है इनपुट को अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस इंटू वी वन प्लस आर एफ अपॉन आर टू इंटू वी टू और प्लस आर एफ अपॉन आर थ्री इंटू वी थ्री, ये क्या हो गया, ये समिंग एम्पलीफायर का आउटपुट हो गया। ओके, वी नो आर एफ अपॉन आर वन इज इक्वल टू आर एफ अपॉन आर टू
आर एफ अपॉन आर थ्री इज इक्वल टू क्या हो गया, वन के अपॉन थ्री के वैल्यू रख दी तो कितना हो गया, वन बाई थ्री, ये कितना हो गया, वन बाई थ्री। तो वी ओ कितना हो गया, तो वी ओ हो गया माइनस वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री डिवाइडेड बाई थ्री, यानी और ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, ये फेस रिवर्सल, यानी आउटपुट जो है इनपुट का क्या है 180 डिग्री आउट ऑफ फेस है। तो ये क्या हो गया, आउटपुट वोल्टेज जो हो गया वो इनपुट वोल्टेज का क्या हो गया, एवरेज वोल्टेज हो गया, और जिसका फेस जो है 180 डिग्री आउट ऑफ फेस है। थैंक यू। तो ये हो गया, ये इस तरह से ये काम, एक समिंग एम्पलीफायर का जो काम है वो एक एवरेज एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है। दूसरा लेते हैं सबट्रैक्टर, ठीक है, यहाँ पर लेते हैं सबट्रैक्टर। सबट्रैक्टर की तरह कैसे काम करता है, ठीक है, ए समिंग एम्पलीफायर कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड एन आउटपुट विच इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेज, देन दिस सर्किट इज कॉल्ड सबट्रैक्टर। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो फिगर ए है ये क्या है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, जिसमें वी वन इनपुट जो है अप्लाई कर दिया गया है इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, और ये जो ए इन्वर्टिंग जो एम्पलीफायर है इसका जो गेन क्या है वो यूनिटी है, तो इसका जो आउटपुट आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस वन, और माइनस वन आ गया, माइनस वी वन। इस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ए का आउटपुट क्या होगा, माइनस वी वन, क्योंकि जो इनपुट है इसको जो अप्लाई किया हमने वी वन ये थ्रू आर वन टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड पॉजिटिव टर्मिनल इज ग्राउंड एंड दिस इज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज हैज द गेन यूनिटी, देन दिस आउटपुट इज माइनस वी वन, यानी इनपुट का क्या होगा, 180 डिग्री आउट ऑफ फेस। एंड सर्किट बी इज समिंग एम्पलीफायर विच हैज़ टू इनपुट्स माइनस वी वन एंड वी टू एंड दिस इज अप्लाइड टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड आउटपुट ऑफ समिंग एम्पलीफायर बी इज वी ओ, एंड देन वी ओ इजकल टू कितना हो जाएगा, वी ओ इजकल टू हो जाएगा, वी ओ इजकल टू हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये समिंग एम्पलीफायर जो है ये भी इसका भी गेन क्या है, यूनिटी है, ओके, गेन यूनिटी है, इसका मतलब यह है कि रेशो ऑफ फीडबैक रजिस्टर टू द इनपुट रेजिस्टेंस इनपुट रजिस्टर इज इक्वल टू वन, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, जो आपका समिंग एम्पलीफायर है और जिसका गेन यूनिटी है, तो उसका आउटपुट क्या हो जाता है, प्रोपोर्शनल, देन आउटपुट ऑफ समिंग एम्पलीफायर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वी वन प्लस वी टू, और इज इक्वल टू हो जाएगा वी वन माइनस वी टू। तो ये आउटपुट हो गया एंड इट इज द डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेज, ओके, विच इज द डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेज। थैंक यू फ्रेंड्स, रहता आज का वीडियो का टॉपिक कैसा लगा कमेंट्स में।